कहने में तो देखने में तो हमारा एक छोटा सा प्रदेश है, दिल्ली के नजदीक है, परंतु पूरा देश हरियाणा को तीन बातों के लिए याद करता है। सबसे पहले मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आजादी के बाद जितने भी मोर्चे पर जवान गए, इसमें सबसे ज्यादा जवान मेरी इस वीर भूमि हरियाणा के गए हैं। वीर भूमि जब देश में खाद्यान्न का इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था, और देश को जब जरूरत पड़ी तब खाद्यान्न के भंडार भरने का काम भी मेरे इस हरियाणा के किसान ने किया है। और भाइयों बहनों, अभी ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक हो, जब भारत का नाम तालिका में आता है, हमारा हरियाणा सबसे ऊपर होता है। हरियाणा ने धाकड़ वीर जवान दिए, धाकड़ खिलाड़ी दिए, और धरती के सीने से पूरे देश की भूख को भरने वाला, अनाज पैदा करने वाला, जगत का ताक देने का काम भी हमारे हरियाणा ने किया। और मोदी जी ने ये तीनों क्षेत्र के अंदर 10 साल के अंदर हरियाणा के मूड की तरह किसान के लिए, खिलाड़ियों के लिए और बाकी सब चीजों के लिए विकास करने का काम किया। मैं यहां आया हूं तब मैं चौधरी बंसीलाल जी को भी प्रणाम कर उनका स्मरण कर बात करना चाहता हूं, मगर लोहारू वालों, मैं आज यहां से हुडा साहब को पूछना चाहता हूं, हरियाणा सेना में सबसे ज्यादा जवान भेजने वाला प्रदेश है। 40-40 साल से सेना के जवान मांग करते थे कि हमें वन रैंक वन पेंशन चाहिए, कांग्रेस पार्टी नहीं देती थी, इंदिरा जी ने नहीं दिया, राजीव गांधी ने नहीं दिया, सोनिया मनमोहन ने नहीं दिया, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 14 में बनाया, 15 में वन रैंक वन पेंशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी अभी एक योजना लेकर आए हैं अग्निवीर की, एक कांग्रेस वाले और विशेषकर राहुल बाबा राजनीति कर रहे हैं। मैंने सैनी जी को कहा कि सैनी जी अग्निवीरों का अफवाह फैला रहे हैं। भारत सरकार के गृह विभाग ने, देश भर की पुलिस ने 20% रिजर्वेशन दिया है, सबको पेंशन वाली नौकरी मिलने वाली है, मगर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हरियाणा के जितने भी अग्निवीर है वो सभी को मैं हरियाणा सरकार में नौकरी दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा। मैं आज हरियाणा के युवाओं को कहकर जाता हूं, ये हुड्डा एंड कंपनी जिनका गांव झूठ बेलाना है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। मैं आज कहकर जाता हूं हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भाइयों बहनों, सेना को सशक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, अभी हमारे कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है, राहुल बाबा वहां गए और उमर अब्दुल्ला के साथ समाधान किया, उनका एजेंडा क्या है? हम सारे आतंकवादियों को चुनाव के बाद छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे, हम टेररिज्म के लिए जो प्रतिबंधित संस्थाएं करी है उस पर से प्रतिबंध हटा लेंगे। ए राहुल बाबा,
सुन लो हमारी बात, ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, नीचे भी आपकी सरकार नहीं बनी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कश्मीर के ऊपर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता मित्रों, देख नहीं सकता। मुझे बताओ लोहारू वालों, धारा 370 हटी, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये धारा 370 वापिस लाना चाहते हैं हुडा साहब, ये लोहारू वालों पूछ रहे हैं आप धारा 370 के बारे में क्या बताओगे। मैं बताता हूं हुडा जी हो या राहुल जी, जितना भी जोर लगा दे, मोदी जी पर भरोसा कर रहा, धारा 370 कभी वापिस नहीं आएगी कभी। ये कश्मीर के लिए 370 हटाई उसका जिक्र कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी, हम तो वो पार्टी है जो मानती है पाकिस्तान वाला कश्मीर भी भारत का है, हिंदुस्तान का। भाइयों बहनों, हजारों हरियाणा के युवान हमारे कश्मीर को बचाने के लिए शहीद हुए और ये लोग कश्मीर में फिर से आतंकवाद लाना चाहते। हम सब तय करें कि एक बार कांग्रेस को इस मुद्दे पर जवाब देना है। भाइयों बहनों, किसानों की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं, हमारी 10 साल की सरकार ने कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर खेल के लिए अच्छा मैदान नहीं है, अच्छा मैदान नहीं है। और मेरी नायब सिंह से बात हुई है, इसके बाद हर ब्लॉक में, हर तहसील में खेलने की और कोचिंग की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और मैं आज हुडा साहब को पूछना चाहता हूं, हुडा साहब आपने भी कोई कम राज तो नहीं किया, यहां काफी समय राज किया, आप बताइए आप एमएसपी पर कितना खरीदी करते थे, बताइए जरा कितने क्रॉप लेते थे। भाइयों बहनों, एमएसपी पर ज्यादा से ज्यादा हुडा साहब ने 4 ही क्रॉप को लिया था, आज हमारा नायब सिंह 24 क्रॉप को लेकर किसानों का परचेस करता है। और एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीदी अगर कहीं हुई है तो 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई। क्या बात कर रहे हो हुडा साहब, एमएसपी रटे जाते हो? मैं आज कहता हूं एक भी दाना, ये 24 क्रॉप का जो लगभग हरियाणा के सभी क्रॉप है, इसका एक भी दाना खाली नहीं रहेगा। नायब सिंह आपका एक एक दाना खरीद कर लेंगे, एक एक दाना खरीद। भाइयों बहनों, हरियाणा ने हमेशा मोदी जी को आशीर्वाद दिया, 14 में आए 4 की जगह 47 सीटें दी, 19 में आए सरकार बनाई, अब 24 में आए हैं, बनाओगे या नहीं बनाओगे? अरे जोर से तो बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लेट हो गया, कोई पत्रकार का फोन आया कि साहब हरियाणा जा रहे हो? मैं कहूं हाँ भाई हरियाणा जा रहा हूं। उन्हें कहा वहां कांग्रेस की आपसे लड़ाई नहीं है, मतलब बीजेपी से नहीं है। तो मुझे आश्चर्य हो गया, क्या बात कर रहे हो यार, दो ही पार्टी है वहां, कांग्रेस और भाजपा, तो कांग्रेस की किसके लड़ाई है? कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही है, 4 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक दूसरे को हराना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, जो पार्टी अंदर अंदर लड़ने का तय करी हो वो चुनाव जीत सकती है क्या? अरे जोर से तो बोलो, जीत सकती है। मैं लोहार हुआ आया हूं, ऐसे यहीं से प्रचार का सगुन किया है, मानकर चलो आप, लोहारू में मेरी पहली सभा है, इस चुनाव में पहली सभा। अब जहां सगुन किया है, माता है खास बताए, टीका लगाओगे या नहीं लगाओगे? भाइयों बहनों,
मैं अभी रोहतक जाने वाला हूं, वहां कहते हैं हुडा साहब को चंडीगढ़ भेज दो। अरे भाई लोहारू वालों, भिवाणी वालों, मैं आपको कह रहा हूं हमारे जेपी दलाल को भेज दो, भेज दो। आप उसको विधायक बनाकर भेजो, इसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, 2019 में लोहारू की जनता ने जेपी दलाल को यहां से आशीर्वाद दिया। हमने उनको कृषि मंत्री भी बनाया, वित्त मंत्री भी बनाया, और कृषि मंत्री बन से ही यहां से लेकर राजस्थान, पूरे हरियाणा में नहरें बिछाने का काम हमारे जेपी दलाल ने किया है। जेपी दलाल ने, मेरे पास कई सारा लिस्ट है, बाद में बताऊंगा। पूरे लोहारू विधानसभा में, पूरे लोहारू विधानसभा में सड़कों का जाला बिछाया, हर गांव को 24 घंटा बिजली दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, और लोहारू को एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का काम हमारे जेपी दलाल ने किया है। भाइयों बहनों, हमारी 10 साल सरकार चली, पहले चौटालों की सरकार चलती थी, हुडा साहब की सरकार चलती थी, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? अरे जोर से बोलो भाई, मिलती थी क्या? खर्ची भी देनी पड़ती थी, पर्ची भी देनी पड़ती थी, देनी पड़ती थी ना। अबे भाजपा का राज आ गया, मोदी जी आ गए, नायब सिंह आ गए, खर्ची भी गई, पर्ची भी गई, पोस्टमैन आकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर घर पे देकर जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह ने नए हरियाणा का संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं, उसको आपने आगे बढ़ाना है। मैं यहां पर हरियाणा के एससी एसटी और ओबीसी को भी कहना चाहता हूं, अभी अभी ये राहुल बाबा ने अमेरिका में बयान दिया है कि हम कुछ समय विकास होने के बाद आरक्षण को हटा देंगे। राहुल बाबा, अपने कश्मीर में भी ये कहा है कि कश्मीर में हमने एससी एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण दिया है इसको वो हटा देने वाले हैं, मगर आप चिंता मत करो लोहारू वालों, मैं कहकर जाता हूं राहुल बाबा, क्या कोई भी आ जाए, जब तक भाजपा है आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे, छूने नहीं देंगे। भाई और बहनों, आज यहां पर जब हम आए हैं तो कांग्रेस का 10 साल का शासन था, इसमें निवेश और नौकरी दोनों को बर्बाद करने का काम कर गया था, और आज यहां पर मैं आया हूं तब सिर्फ भिवाणी जिले का बात करना चाहता हूं। अकेले भिवाणी जिले में मोदी जी ने 1,40,032 किसानों को 297 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम किया है। अकेले भिवाणी जिले में 67,800 हेक्टर भूमि सिंचाई कर उत्पादकता बढ़ाने का काम किया है, और 6,49,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा 5 लाख तक का पूरा खर्चा माफ किया है, हेल्थ के बारे में, ऑपरेशन हो, अस्पताल हो, दवाइयां हो, चेकिंग करना हो, मगर अब कोई आय की सीमा के बगैर, रोड़पति हो या करोड़पति हो, सभी 70 साल के ऊपर के लोगों को और 5 लाख देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। भिवाणी जिले में 535 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनाया, नए 4 सरकारी कॉलेज खोले, कृषि विद्यालय गोकलपुरा में बनाया,
और लगभग लगभग 30 करोड़ लोहारू में और बेहल में 14 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय और महिला कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी। हमारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनकी क्रिमिलेयर की सीमा नायब सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही 6 लाख से लेकर 8 लाख कर दी, और विधवाओं का पेंशन, वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन भी 3000 करने का काम नायब सिंह सैनी ने किया, और दलहन और तिलहन जो उगाते हैं उनको 4000 रुपया प्रति एकड़ देने का काम नायब सिंह ने किया। भिवानी सहित 25 मंडियों में 10 रुपये में भोजन देने का काम नायब सिंह सैनी ने किया। और भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब हुड़ा साहब को पूछना चाहता हूं, हुड़ा साहब वोट मांगने का सबको अधिकार है मगर अकाउंट भी देना पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है। आप 10 साल रहे, ऊपर भी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, हरियाणा को क्या दिया? तो 10 साल में हरियाणा को 41,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया बोलो तो भाई, 41,000 करोड़, जोर से बोलो कितना। और मोदी जी ने 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। भाइयों बहनों, इसके अलावे 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, 27,000 करोड़ सड़क निर्माण, 54,000 करोड़ रेलवे और एयरपोर्ट का काम अलग से करने की बात है। और लखपति दीदी, 30 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाया, 1 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख वाले लाभार्थी है, 8 लाख शौचालय बनाया, 1,80,00,000 लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया, और उज्ज्वला में 11 लाख कनेक्शन दिए जिसमें अब 500 रुपये में गैस देने का काम हमारे नायब सैनी ने किया। 1,00,000 घर गरीबों के बनाए और 58,000 करोड़ रुपया डीबीटी से ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा जो है ना, वो झूठ बोलने की एक बड़ी मशीन है जो हर भाषा में झूठ बोल सकता है। मैं आज पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा आप हरियाणा के चुनाव के पहले स्पष्ट करिए कि कश्मीर में धारा 300 हटाने का काम, 370 हटाने का काम हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? वो संसद में कहते कि अयोध्या में एसपी के एमपी जीत गए। अरे भाई, चुनाव में तो हार जीत कई बार होती है। अब वो कहते हैं हमने अयोध्या के मकसद को हरा दिया। अयोध्या में मकसद क्या था हमारा भाई? बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, वहां राम मंदिर बनाना। लोहारू वालों, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अरे जोर से बोलो भाई, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर आज राम लल्ला को सम्मान के साथ भव्य मंदिर में बिठाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी। और राहुल बाबा को ये राज नहीं आता है। राहुल बाबा, आपको पसंद आए ना आए, ये देश की जनता के दिल की आवाज है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। लोहारू वालों, मैं सिर्फ जेपी दलाल मेरे मित्र है इसलिए नहीं आया हूं। मैं जानता हूं जेपी दलाल में काफी ताकत पड़ी है। आप एक बार यहां से आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ भेज दो, आगे का काम भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ दो। मुझे बताओ जरा,
मुझे बताओ जेपी दलाल को जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।